आज 15 अगस्त आज़ादी के मौके पर देश के कोने कोने में झंडा फहराया गया। इसी कड़ी में महानगर कोलकाता अंतर्गत वार्ड नंबर 59 के अंजीर बगान में भी झंडा फहराया गया। इस अवसर पर चीफ गेस्ट के तौर पर क्षेत्र के विधायक स्वर्ण कमल साहब भी उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से झंडा फहराया और सलामी दी। साथ ही उन्होंने पूरे देशवासियों को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान वार्ड की सामाजिक कार्यकर्ता समीर सईद भी पेश थी। फ्लैग होस्टिंग के दौरान बारिश भी हो रही थी, लेकिन इनके जज्बे सलामत थे। सब ने अपने देश पर मर मिटने की बात कही। साथ ही विधायक स्वर्ण कमल साहा ने कहा कि इस बार हम वचन लेते हैं कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए और इंडिया की लड़ाई में निसंकोच इंडिया ही जीतेगा। सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड की तृणमूल महिला समिति की प्रेसिडेंट समी सईद ने कहा कि आज के दिन 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन अब हमें बीजेपी से आज़ादी चाहिए। महिलाओं को ऐसी सोच से आज़ादी चाहिए जिन पर भाजपा नेता गंदी नज़र डालते हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी हमेशा लड़ती रही हैं और हम लोग उनकी ताकत है। इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया की जीत होगी और ममता बनर्जी की जीत होगी। गौर हो कि इस पूरे कार्यक्रम में विधायक स्वर्ण कमल साहा के अलावा समी सईद, जुम्मत सईद, शेख आलम, तबरेज आलम, रहमत हुसैन समेत बड़ी तादाद में वार्ड के लोग मौजूद थे। आइए सुनते हैं। देखिए, आज आज़ादी का दिन, हम लोग सब आज़ाद देश का इंसान है। हम लोग ये आज़ादी मिले थे हिंदुस्तान में बसने वाला हर कौम का आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के लड़ाई की थी, उस कारण से हमारे आज़ादी मिला। हम लोग नहीं चाहते हैं ये आज़ादी दिन का, हम लोग कसम लेना चाहिए कि हम लोग कभी भी कम्युनल थिंकिंग से हम लोग नहीं अपने आप को बांटेंगे। हम लोग एक संग चलेंगे। बांटने वाला पार्टी को हम लोग हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे। अभी आगे चलते इलेक्शन 2024 में जो है, हम लोग सब चाहते हैं कि बीजेपी जो हम लोग को आपस में बांट रहा है, ये लड़ाई में तो हिंदू भी था मुस्लिम भी था, क्यों आपस में बांटेगा? सबका अधिकार है हिंदुस्तान में रहने के लिए, तो सबको लेके हम लोग चलना चाहते हैं। हमारा ममता दीदी चाहती है सबको लेके चलिए। ये विभाजन हम लोग नहीं चाहते हैं। विभाजन हम लोग को हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाएगा। ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाने का काम में हम लोग कोई भी इंसान शामिल नहीं होंगे। ये आज शपथ का दिन है। ये शपथ देखो, इंडिया गठबंधन का तो बंगाल से हम ये सोचते हैं एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का लीडर है और उनका अपना स्टेट है, तो इसमें से एक भी बीजेपी को सीट हम लोग लेने नहीं देंगे। आज का दिन हम लोग कसम करते हैं। मैसेज अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शमी शहीद नई उड़ान फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी हूँ, महिला समिति की नेता भी हूँ। हम लोग का ये संदेश है कि 15 अगस्त जिस तरह से आज़ाद हुआ है, देखिए आज मौसम भी बता रहा है कि हम लोग आज़ादी का किस कदर हम लोग लाभ उठा रहे हैं। और ये भीगने का और ही एक मज़ा है कि आज़ाद देश में आज़ादी से रहना चाहिए। अंग्रेज चला गया, हम लोग को आज़ादी मिल गया। हम लोग लड़ झगड़ कर हमारे जो पूर्वज थे उन लोग आज़ादी दे के गए हैं, और अभी जो हमारे जो नेता हैं बीजेपी के, वो जो बैठे हुए दिल्ली में धर्म के आड़ में सबको लड़ा रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इससे भी आज़ादी मिले। अब हम लोग बीजेपी का जो मेन मोदी जी और इन लोग सबको हम लोग देश से हटाना चाह रहे हैं, उसको भी अंग्रेज के तरह हटाना चाह रहे हैं, भगाना चाह रहे हैं, ताकि हमारे देश फिर से एक हो जाए, सब मिलके कौम एक तरीके से रहे और अमन शांति से रह सके। 2024 में बोला जा रहा है कि आर पार की लड़ाई है, तो आर कौन होगा, पार कौन होगा? आर होगा हमारी ममता दीदी, और पार होगा तो मोदी सरकार जी। जय भारत, जय भारत, जय ममता दीदी, जय ममता दीदी, जय बंगाल, जय बंगाल, इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा।